Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपने देसी घी, देसी अंडे और देसी शहद के करामात तो देखे होंगे ना, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे देसी बीवी के करामात। और ये जो विलायती बीवी है ना रिदा, इसकी तो हम छुट्टी कर देंगे। कैसे? देसी टोटकों से। कैसा बात कर रहा है स्थरातियन ने जुबुनी ताहुफी? हम फकीर नहीं है, हम बाबा है बाबा। अच्छा, तो आप हैं वो बाबा जिनके ऊपर नज़में लिखी गई हैं बच्चों की, बाबा बाबा ब्लैक शिप। हम समझ गया है, लेकिन काम उसका पहले होगा जो सबसे पहले हमारे को तगड़ा फीस देगा। आप बेफिक्र रहिए, जितनी फीस ये आपको देगी ना, हम उनसे डबल ही देंगे आपको। हाँ। वाह वाह वाह, काम तो फिर ठीक हो गया है। जो सबसे पहले हमारे को फीस देगा, काम सबसे पहले उसका होगा। तुम लोग एक काम करो, जाओ और जल्दी से अपने शोहर का कपड़ा लेके आओ। बाबा जी ये लीजिए, इम्पोर्टेड है ये भी। बात सुनो, और इससे कीमती कपड़ा नहीं मिलेगा? क्यों, आपने इतने ब्रांडेड कपड़ों को क्या करना है? ड्राई क्लीनिंग में डालेगा। बात कर रहा है, हमारे घर ना एक आमिल बाबा आता है। हाँ, और वो ना उसको ये बच्चियाँ जो है ना कपड़े देती हैं। बस तुम्हें ये पता करना है कि वो कपड़े जो है ना वो बाबा कहाँ लेके जाता है और क्या करता है। तुम लोगों ने जो जवार के कपड़े दिए थे ना, इसने सारे जाके लुंडा बाजार में बेच दिए। क्या कह रही है फुप्पो आप? ये हमारे सारे पैसे खा गए। अरे इसके तो हलक में से हाथ डाल के पैसे निकालेंगे। पकड़ो इसको, जाने लगा। आ कोई है? आ खोलो ना निगोड़ मारी। ओफो, हद होती है, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप? आए काहे का दरवाजा तोड़ रहे, मेरे हाथ में क्या कुल्हाड़ी देख ली या हथौड़ा है मेरे हाथ में? आनी तो अगर टूट गया हमारा दरवाजा तो क्या इसके पैसे आप देंगी या आपके गुरु? आए तो क्या टिश्यू का बना हुआ है ये दरवाजा जो टूट जाएगा? आप तो बिला वजह परेशान हो रही है बाजी। ये सवेरे सवेरे आप ढोल बजाते हुए यहाँ क्यों आ निकली हैं आखिर? उसी तरह आ गए जिस तरह लोग मजदूरी के लिए निकलते हैं सवेरे सवेरे। मजदूर मजदूरी के लिए? लेकिन सवेरे सवेरे हमें कोई मजदूर नहीं चाहिए। हाँ आए तो मैं मजदूरी करने भी नहीं आई हूँ, मेरे हाथ में कोई फावड़ा देख लिया, गेती देख ली, क्या देख लिया तूने? तो फिर क्यों आई है? वोट लेने। वोट किस पार्टी के लिए? आए बेनसीब पार्टी। ये कौन सी पार्टी है? वैसे हम तो अभी वोट देने के अहल ही नहीं हुए, क्योंकि हमारी उम्र तो अभी 18 साल की नहीं हुई ना, हमारा तो वो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। आज तू भी क्या बीना मलिक की तरह जवान नहीं हुई, 18 की नहीं हुई और मुन्नी की तरह बदनाम नहीं हुई? आज तो वही हिसाब हो गया, माही आवेगा मैं फूला नाल धरती सजावांगी, उनु दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, जलंगी पखिया। ओफो बस करें, माही माही माही, आखिर माही ने कौन सा चांद पे हमारे लिए प्लॉट ले रखा है? हाँ आए तुम तो बिला वजह मूड खराब कर रही हो बाजी। आए मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें चांद था बेटा दे। बेटा दे, जब बांसी नहीं तो बांसुरी के लिए क्या दुआ? आए तो मैंने बांसुरी के लिए तो नहीं बेटे के लिए दुआ दी है। क्या बताएं हम आपको, हमारी तलाक हो गई है। अरे अल्लाह, तो कोई बात नहीं, दुआ बदल देते हैं, अल्लाह तुझे चांद सा शौहर दे, मैं शादी कराऊंगी तेरी। हमारी शादी किससे? आए तो किससे क्या, शेख रशीद से। तू बोले तो वाजपेयी से करा दूं, कोई और कुमार आया पुराना इससे, उससे करा देती हूँ। क्या कह रहे हैं आप, आइए ना तशरीफ लाइए अंदर, आइए। आई इतनी इज्जत। ये है हमारा गरीब खाना। माशाल्लाह बहन बहन ये इतनी इज्जत दे रही है, तेरा शुक्रिया। ये कौन है? ये यही तो है हमारे देवर जी। आए कमबख्त मारे को देखो तो सही, दो बिजलियां देखकर जोर का झटका धीरे से लगा। एवें देनी डोला तेरे पीछे पीछे आणिया, होके मजबूर तेरे तरले में पाणिया, इश्क दा रोग बुरा है, इश्क दा रोग बुरा तेन समझाने आवे। चल भाई चल, निकल निकल। थोड़िया दिल दा मामूला, हईरिया दिल दा मामूला। ओ सोनियो, ओए बिल दा मामला है ये, बिल दा मामला। अच्छा भाई भाई, बिल दा मामला? कौन से बिल का मामला, बिल क्लिंटन का या बिल गेट्स का? बिल बिजल्टन, बिल बिजल्टन के। बिजल्टन? ओ भाई
ये जो बिजली वालों ने लूट मचाई हुई है ना, ये बिल के पैसे हैं, उस बिजली के बिल के पैसे। आइए बिजली वालों पे बड़ा तपी हुई हमें, कम बहुत मारे, वोल्टेज ज्यादा भेज कर चीजें जला देते हैं और बिल ज्यादा भेज कर दिल जला देते। मेरा बस चले तो एक ही ठुमके में ठीक कर दूं जली हुई चीजों को। आए बिजली वालों को। हाँ भाई, तुम लोग तो शेर के जबड़े से गोश्त खींच लेते हो, तो ये लोग किस खेत की मूली है? आए हम लोग शेर के जबड़ों से गोश्त नहीं खींचते, बल्कि अदाएं दिखा के नोट खींचते नोट। हाँ वैसे बिल्कुल सही कहा, डिफेंस के लोगों से वाजिबात और शेर के जबड़े से गोश्त निकालना एक ही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहा भैया, करंट लगा। अरे छोड़िए ना प्लीज, तशरीफ तो रखिए आप, बैठिए ना। हाँ बैठिए ना। क्या खाना पीना पसंद करेंगे आप? अरे बाजी, तुम्हारी मोहब्बत के फसाने सुन सुन कर मेरा पेट तो इतना भर गया कि कम बहुत मारे तुम्हारा दो बिस्कुट का नाश्ता भी हैवी लग रहा। बस हमारी तो आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि हमारे लिए अपने दिल से दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आपके दिल से निकली हुई दुआ जरूर पूरी होगी। क्यों नहीं होगी, ठका ठक होगी, ठका ठक। फिलहाल तो ये पेट बद दुआएं दे रहा कम बहुत मारा, क्योंकि तुम्हारी डाइटिंग के चक्कर में इसे भी भूखा मार दिया। आप बेफिक्र रहिए, जब आप दोबारा हाजिर होंगी ना तो हम आपको बहुत लजीज खाना खिलाएंगे पेट भर के। बस हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि हम अपने जवाब को कैसे मनाएं, कैसे अपना करें। आए वैसे ही मनाना है जैसे फिल्मों में हीरोइन हीरो को मनाती है, ठका ठक। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बाजी, हम भी कोई कतरीना और करीना से कम थोड़ी ना है। ऐसा दबंग आइटम सॉन्ग करेंगे कि जवाब सिर्फ हमारे हो जाएंगे, हमारे ही बनके रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इंशाल्लाह तू देखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शीला, शीला की जवान, नहीं नहीं चिकनी चमेली। हाँ हाँ, ये ना मेरे भाई का घर है, भाई का समझी। हाँ, ये मेरी ना बहन का घर है, बहन का घर समझे। अबे मेरे भाई का घर है ये, मेरी बहन का घर है ये, मेरे भाई का घर है ये। जाइए थम जाइए, रुक जाइए, हौसला कीजिए, हम तो खुद परेशान हो गए आपको इन हालतों में देखकर। हम आपको बताते हैं कि ये घर किसका है। तो फिर किसका है बताइए, बताइए किसका है ये घर? ना आपका है ना ही आपका, ये घर तो ईंटों का है। अच्छा खैर छोड़े, है ना, आप इसे कह दें कि ये मेरे मुंह ना लगे। देवर जी आप इतने चचोरे कब से हो गए? हाँ जब से इन्होंने मुझे देखा है। अरे मैं लानत भेजता हूँ लानत ज़ारा पर। जी नहीं, चचोरे लोगों पर। कोई भला खुद को लानत कैसे भेज सकता है? हम बताते हैं SMS के जरिए। भाभी इसको मना करे, मना करे इसको आप। मैंने कुछ नहीं किया है ना, सीरियसली। मुकर जा मुकर जा मुकर जा, वीना मलिक की तरह। What? वीना मलिक की तरह? मैं कोई वीना मलिक जैसी नहीं हूँ। तो फिर आप क्या मीरा जैसी हैं? जी नहीं, ना मैं वीना ना मैं मीरा, मैं तो मैं हूँ। सूरजमुखी। ये बहुत रिस्की है यार, इससे तो वो पास आने की बजाय दूर चली जाएगी। यार दिमाग भी लगता है, भंग के पकौड़े खा के सो गया क्या? मेरा ख्याल है मैं झूठ मूठ का बीमार पड़ जाता हूँ। यूं ज़ारा का मंसूबा किसी सरकारी मंसूबे की तरह हमेशा के लिए सत खाने की नजर हो जाएगा, और अगर उसने सचमुच का बीमार जानकर किसी सरकारी अस्पताल में जमा करा दिया तो बेटा तेरी बॉडी के नए पुर्जे, समझ नाकारा, और फिर तेरा भी रेलवे इंजनों जैसा हाल होगा। नहीं 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 यार, वो मेरे साथ गैर इंसानी सलूक नहीं करेगी, कम से कम किसी प्राइवेट अस्पताल में जरूर दाखिल करवा देगी। बेटा दाखिल तो तुझे करवा देगी, बिल कहां से देगा? तेरे पास तो जहर खाने की पूटी कौड़ी भी नहीं। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई भला, ना खुद मशवरा देती है और ना हमारे मशवरे पे अमल करती है। भाई मशवरा देना तो एक एडवाइजर का काम होता है ना। अच्छा तो फिर हम कोई मशीन रख ले। अच्छा किसको? अली जी को। क्या बात कर रही हो तुम, अली को तो निकलवाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हम अली को निकलवाने की बात कर रही हैं? हाँ हम तो समझे कि आप फुप्पो को निकलवाने की बात कर रही हैं। अरे फुप्पो को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वो तो जवाद की फुप्पो है ना। ऐसे ही जैसे घर से लाल बेग को निकालते हैं, इस अली के बच्चे को तो मैं निकलवा के ही रहूंगी, देख लेना। तो क्या हो गया है आपको, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। अरे यही तो, इसलिए तो वो मुझ पे डोरे डाल रहा है।
लेकिन वहाँ पे डोरी कैसे डाल सकते हैं? अभी तो बसंत भी नहीं आई, अभी तो पतंग उड़ाने का भी मौसम नहीं आया। ओह वो क्या है तुम्हें भी? अरे वो पतंग वाली डोरी नहीं, वो जो डोरे डालते हैं जाल फंसाने के लिए, जिससे बंदे का गला कट जाता है, वो वाली डोर। जो मछली को फंसाने के लिए जो जाल होता है ना, इसी तरह लड़कियों को फंसाने के लिए भी डोरे होते हैं। अच्छा लेकिन अली जी तो बैंकर है, वो मछेरे तो नहीं है? अरे मेरी जान, बैंकर और मछेरे का दोनों का एक ही काम होता है कि? अरे जानू मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा कसम से। हाँ अरे भाई, मैंने तो भाईजान की शादी वाले दिन ही तुम्हें पसंद कर लिया था। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि भाईजान के सर से सहरा उतारू, अपने सर पर लगाऊं और तुम्हें अपनी फटपटी बाइक पर ना कोकाफ लेके चला जाता। कसम से आई लव यू मेरी जान। अरे मी, इधर को मेरा मोबाइल। किससे बात करो तुम मेरे मोबाइल में? किससे इश्क लड़ा रहे हो तुम? अरे आप तो हमें ऐसे डांट रही है जैसे हम इश्क नहीं बल्कि जाले झाड़ रहे हैं। मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की तुमने जरूरत भी कैसे की? अरे मोबाइल को हाथ लगाया है आपको थोड़ी? मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। क्यों, तुम करंट मारती हो? नहीं मैं बंदे मारती हूँ। आहा तुम वही गोली हो ना जिसने पंजाब में 120 लोग मारे थे? अपनी बकवास बंद करके रखो। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, तुम चालू रखो चालू। देखो तुम मेरे, अरे जब से आया हूँ देख ही तो रहा हूँ। मेरे भाई को तो तुम जानते हो गए। जानता हूँ तुम्हारे भाई को, तुम्हारे भाई को भी जानता हूँ, दूल्हा भाई को भी जानता हूँ। दोनों ना सिगरेटे मांग मांग के पीते हैं, मांग मांग के। अच्छा तुमसे? जी नहीं, चरसियों से, चरसियों से। क्या तुमने मेरे भाई को चरसी बोला? How dare you? जाओ यहाँ से। अबे चरसी को चरसी नहीं बोलो तो क्या बोलूं? पादरी बोलो, मौली बोलो या पंडित बोलो? है ना, प्लीज मेरी उससे जान छुड़वाएं। कैसी बातें करती हैं जारा जी आप, हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं? जान तो फरिश्ता ले जाता है ना छुड़वा के, जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर परवास कर जाती है जान। ओहो कैसी बातें और किस तरह का सोच रखती हैं आप। अरे मेरा मतलब है कि मेरी उस अली से जान छुड़वाएं। हम एक काम करते हैं, उस हिजड़े को फोन करके बुला लें। उससे क्या हमने मुजरा करवाना है? कैसी बातें करती हैं आप, डांस क्यों करवाएंगे हम भला? उसके जरिए हम अली को यहाँ से 9-11 करेंगे। हाँ है ना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने आजमाया हुआ है। भाई हमने तो नहीं, लेकिन हाँ DHA वालों का आजमूदा नुस्खा है ये। अरे जल्दी बताओ काम क्या है, क्यों बिठा है कमबख्त मारे, बिठा बिठा के थका दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपने बिजनेस पे भी जाना है। बिजनेस नहीं, ये बोले कि आपने उस काम पे जाना है। क्यों तूने भी वही जाना है क्या? जी नहीं, मैं सड़कों पे भीख नहीं मांगती। अरे भीख मांग नहीं तो हमारा बिजनेस है। अच्छा सुने ना, असल में आप भी, हमने आपको एक खास काम से बुलाया है। क्यों, किसी की कुटाई करनी है या डाका मारने जाना? नहीं नहीं। अरे तो क्या किसी से वाजबात निकलवाने हैं? अरे नहीं आप ही, कुछ और काम है। अरे तो क्या शेख रशीद को शादी के लिए राजी करना है? अरे नहीं, आप जब सुनेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि हम आखिर आपसे चाहते क्या हैं। इधर आइए आप ही। आप ही इसको समझाती नहीं, कभी आप ही कभी कॉपी कभी रजिस्टर, पता नहीं क्या क्या बोलती है। चल बता क्या काम है। इधर बात मारी, पता नहीं क्या बोली, कान में गुदगुदियां हो रही थी। देखिए अगर आपने हमारा ये काम कर दिया ना तो हम आपको डबल पैसे देंगे और आप चमक जाएंगी हमारी तरह। हाँ आप डबल पैसे देंगे उसी दिन की तरह जिस दिन डबल नाश्ता कराया था, दो बिस्कुट एक चाय के साथ। भूलती नहीं आप, वैसे बहुत पेटू नदी दी है। देखिए आप हमारे देवर जी हैं और हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आहा कुछ भी कर सकती है ना, एक काम करें मुंह से आग का गोला निकालें। मुंह से आग का गोला? नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर एक काम करें, अगर गोला नहीं निकाल सकती ना तो मौत के कुएं में बाइक चलाएं। मौत के कुएं में बाइक? कैसी बातें करते हैं आप देवर जी, हम कैसे नहीं कर पाएंगे लल्ला। अच्छा चले फिर एक काम कर, पानी की बिल्ली बन के दिखाएं जल्दी से। आहा देखिए ये सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आप क्या मेरे लिए बाग से इमली का कटारे चुरा के लाएंगी? अरे नहीं, हम आपकी दिली मुराद पूरी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, हम जारा को आपके लिए राम कर सकते हैं। हाँ उसे राम नहीं सीता कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम जारा के दिल में आपके नाम का दिया जला देंगे, बस आप जल्दी से जाइए और जाके वो ले आइए।
काला बकरा और इंसानी ढांचा। क्या हो गया आपको? क्या बकरे की खाल की शेरवानी सिलवाएंगे और सहरी की जगह ढांचा बांधेंगे सर पे? नहीं भाई, हमने अपनी बारात आमिल बंगाली बाबा के घर पे थोड़ी लेके जानी है। फिर काला बकरा और इंसानी ढांचा किस लिए देवर जी? मैं समझा कोई आपने ना मंत्र शंतर पढ़ना हो। हम मंत्र शंतर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपका निका पढ़वाएंगे। हाँ, बस आप जल्दी से जाइए और सहरे का इंतजाम कीजिए। हाँ, छुआरे और काजी का क्या होगा? अरे उसकी फिक्र ना करें आप। किसकी, छुआरों की या काजी की? दोनों की। सुने, आप हर दफा ताली से ही क्यों शुरू होती है? अरे मेरी आदत है ना, सर्विस कर रही हूँ अपनी, खाली हाथ थक जाते। ओहो छोड़े इन बातों को, इस दफा तो अली को ऐसा मजा चुकाएंगे कि ख्वाबों में भी इश्क नहीं झाड़ेगा। जब भी झाड़ेगा कपड़े ही झाड़ेगा या दीवारों पे से जाले झाड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात जरा सुनिए, जो भी करना है आराम से कीजिएगा, देखिए उनको ज्यादा सहमत ना हो। हाँ सुहाग, रात को तो दुल्हन कुछ नहीं करती, बेचारी चुप घुन्नी बन के बैठी रहती। देखिए देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कहीं आपका मुंह देख के वो जान ही ना दे दे। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, वो खुद ही दे देगा देखना। और हाँ, अगर काजी बोले कि कबूल है तो कबूल मत कहना। कबूल है ना कहूँ तो क्या कहूँ, वसूल है फजूल है, क्या कहूँ? अरे नहीं, अभी समझती नहीं है ना, सिर्फ ऐसे करके गर्दन हिला दीजिएगा बस। गर्दन हिला देना, लो ये क्या बात हुई, ये अल्लाह मियां ने गजबर की जमान के चुगलिया करने के लिए दी है। ओफो, जुबान सिर्फ और सिर्फ अच्छे कलमात इस्तेमाल करने के लिए होती है और बस। और हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो सिर्फ वो करें जो हम आपको कहते हैं। हाँ मैं वीना मलिक थोड़ी है जो पैसे की खातिर हर काम कर लूं। कम्बख्त मारे अशमत पटेल गंजे पटेल हर एक को लाइन कराती फिर। भाभी मुझे ये तो बात बताइए कि जवाब मैंने जब आपका घूंघट उठाया था तो पहला क्या डायलॉग था उनका? क्या याद दिला दिया आपने देवर जी। खैर छोड़े, ये बताएं हमें कि आप अपने भाई की नकल क्यों करना चाह रहे हैं? अरे हम कोई बॉलीवुड थोड़ी है जो हॉलीवुड की नकल करे। तो फिर नहीं, एक काम करना, सिर्फ दो एक डायलॉग बता देना, बाकी की कहानी मैं खुद बना लूंगा। हाँ आप एक काम कीजिए ना, कमरे के अंदर तशरीफ ले जाइए, जब आप दुल्हनिया का मुखड़ा देखेंगे तो खुद ही खुद आपके दिल के जज्बात आपकी जुबान तक आ जाएंगे। ऐसा ना हो ना कि उनका चेहरा देखकर डायलॉग ना निकले और जान निकल आए। ये तो आपको कमरे के अंदर तशरीफ ले जाके ही पता चलेगा कि डायलॉग निकलेंगे या जान। क्या है भाभी, आपको कुछ बता ही नहीं रही है। ठीक है हम जाते हैं, अगर हमसे डायलॉग ना निकला तो इशारों की जुबान से बात कर लिए। से रिश्ता है प्यार।